हेलो फ्रेंड्स, जय द्वारकाधीश। वेलकम टू माय न्यू लुक फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो अभी ना मैं बस रात में हो गया है सबका खाना पीना और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बटर मिल्क। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ना मैं बस ये मट्ठा निकाल रही थी। रात के ना 10 से ऊपर ही हो रहा था, तो सब लोग का खाना पीना हो गया था और मुझे ना आपसे रात में ही बात करनी थी। तो इंतज़ार कर रही थी कि सब लोग सो रहे तो करूँगी, लेकिन पतिदेव ना मतलब जाग ही रहे थे और फिर वो बीच बीच में कुछ ना कुछ आवाज़ रहती, तो मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता है। तो बस यहाँ पे मेरा मक्खन निकल चुका था और मैं ये छाछ निकाल लूँगी और अभी निकाल के ना बस फ्रिज में रख दूँगी। और मैं ना बस अभी शाम में गई थी, पार्क गई थी, तो ये कल शुक्रवार शाम का वीडियो है। तो गुरुवार भी गई थी लेकिन थोड़ा सा रात में गई थी, कल शाम में गई थी तो भी वीडियो नहीं बना पाई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मक्खन कितना मेरा स्मूद, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मतलब नहीं बनाई, फिर आके सोची कि थोड़ा सा मुझे ना गार्डन का वीडियो मतलब बनाना चाहिए था, थोड़ा सा व्लॉग में ऐड हो जाता, लेकिन बस बातों में रह गए, नहीं कर पाई। और यहाँ पे देखिए मक्खन निकल गया था मेरा बहुत ही अच्छे से आराम से फ्रेंड्स। तो ये ना फ्रेंड्स शनिवार सुबह का ही वीडियो है और मतलब सुबह सुबह ना बहुत ही बारिश आ रही थी एकदम से, तो सामने से मालगाड़ी जा रही है। और ज्योति का ना आज PTM था, तो स्कूल में बच्चों को छुट्टी थी लेकिन पेरेंट्स भी नहीं जा पाए। उसके पापा का बुखार था और मैं तो जाने वाली नहीं थी। और सच बताऊँ तो मतलब मेरा बुखार एनी टाइम रहता है, लेकिन किसी तरह मैं करती हूँ, किसी को कुछ कहती नहीं। और ना अभी मौसम फिर चेंज हो गया है, जैसे बारिश हो गई तो फिर थोड़ी सी ना हल्की हल्की ठंडी बढ़ी है। और क्या उतार मतलब इतना उतार चढ़ाव मौसम की वजह से है या क्या है, मतलब मेरे घर में ना बुखार जाने का मतलब नाम ही नहीं ले रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन किसी ना किसी का बस बुखार का दवाई चल ही रहा है। कभी कभी तो अब मतलब मुझे अब सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि क्या हुआ है, किसी का नज़र लगा है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा है। मतलब शांति ही नहीं मिल रही है एकदम से। तो इस बुखार के चक्कर में ना एकदम से परेशान हो गई हूँ। और ये वीडियो ना मैंने नहीं बनाया है, मेरे पति देव ने बनाया है, क्योंकि माँ बाबू जी का वीडियो वही बनाते हैं, मैं नहीं। और यहाँ पे बस बारिश आ रही थी, गेट खोल के देख रहे थे, माँ बाबू जी अपना चाय नाश्ता कर रहे थे। तो बाबू जी को ना पहले ही चाय देती हूँ, शुगर फ्री वाली, तो उनका नाश्ता ख़त्म हो गया था क्योंकि वो पहले से ही करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए रात में जो मक्खन निकाला था ना, उसी का मैं घी गरम कर रही हूँ। और रोटियाँ बन रही थी तो कठौती ना बाहर थी, मतलब बारिश आ रही थी तो मैं नहीं गई थी धोने। तो सासू माँ ना बर्तन धो देती है मेरा और सब्जी भी काट देती है, क्योंकि उनको कुछ काम करने नहीं दो ना। तो मतलब इनसे बोल रही थी, मुझसे तो नहीं, कि मतलब मेरे को ऐसे क्यों मेहमान की तरह रखा हुआ है। तो इसके पापा बोले कि मतलब करने देना अगर करती है तो, वरना उनको उल्टा दिमाग लगता है कि मतलब मुझे अपना नहीं मानते। मैं ठीक है, तो इस घी को ना मैं बस चालू वाले डब्बे में ही डाल दूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना शनिवार है और मतलब दोपहर हो गई है, और मैं कब से ना पति देव का इंतज़ार कर रही हूँ। मतलब वो गए हैं हॉस्पिटल और अभी तक आए नहीं हैं, और अभी तक मैंने उनको कॉल भी नहीं किया, क्योंकि सुबह ही ना हम दोनों में बहुत बहस हो गई एकदम से, क्योंकि किसी भी चीज़ को ना सहन करने की एक लिमिट होती है। तो फ्रेंड्स, अभी ना बुखार मुझको भी आ चुका है एकदम से, लेकिन मैंने आज बताऊँ मतलब खाली रोटी बनाई है सुबह, और दोपहर के हिस्से की भी बना दी है, और अचार रोटी और दूध मठा जो भी था मैंने दे दिया है नाश्ता अपने माँ बाबू जी को। और बच्चों ने गुड़ रोटी खाई है और पतिदेव ने कुछ नहीं खाया है, गए हैं हॉस्पिटल। और मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हूँ, तो लगता है अभी बात नहीं करती हूँ ना इतनी कुछ सच्चाई निकल जाएगी ना, कि जो कल व्लॉग में मिर्ची शेयर की थी ना, मतलब खुशी में की थी लेकिन किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ही लग गई है। तो चलिए अभी ना मैं बंद करती हूँ, बाद में सब कुछ बोलूँगी दिमाग शांत करके। तो फ्रेंड्स, मैं ना बस ये व्लॉग अभी ना संडे की शाम हो रही है, और शुक्रवार को ही मैं ना आपसे बात करना चाह रही थी कि मतलब व्लॉग डाल दूँगी, लेकिन अभी तक नहीं डाल पाई हूँ। तो कल शनिवार था और बहुत ही बेकार दिन था मेरे लिए, तो कल मैं दिमागी तौर से भी बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ और शारीरिक भी। तो कल तो इतना मेरा हालत ख़राब था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी।
मतलब वो होता है ना कि और सारे व्लॉग में मैं देखती हूँ कि उनकी सारी पूरी टीम होती है तो सब कुछ शेयर करती है, तो मेरे घर में सिर्फ मैं ही कैमरा उठाती हूँ इसलिए वो सारी बातें आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और प्लस पति देव की भी ख़राब थी 2-3 दिन से, तो आधा काम मैंने कल जैसे तैसे किया। फिर वो हॉस्पिटल से आए और उन्होंने ही सब्ज़ी बनाई, क्योंकि वो आए तब तक तो मेरे में खड़ी रहने की भी हिम्मत नहीं थी। बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान हो गई थी एकदम से, तो कह सकते हैं कि मौसम भी है और मेरे घर में तो पता नहीं क्या बुखार को ज़्यादा ही मन लग गया है। मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। तो सोची लोग कल ही डाल दूँगी, लेकिन कल तो कैमरा छूने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब दोपहर तक जो जैसे तैसे करके आई, फिर थोड़ा बहुत मतलब कल दोपहर में भी बात करना चाह रही थी कि किसी तरह कर दूँ, लेकिन नहीं कर पाई कंटिन्यू। और आज भी दिन भर सोचती रह गई। तो अब ना संडे की शाम हो गई है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम मतलब सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। तो अभी बच्चे बाहर हैं और पति देव गए हैं गेहूँ पिसवाने, आटा ख़त्म हो गया। बहुत मुश्किल है अपने अंदर गुस्सा रख के चेहरे पे स्माइल करना, तो करना पड़ता है ना, क्योंकि कभी कभी ना फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसको क्या जवाब देना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं ना अपनी बात बताती हूँ, जैसे मैं मतलब कोई व्लॉग देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि वो व्लॉग में मतलब बेचारा कितना मेहनत करता है, बंदा चाहे बंदी जो भी हो XYZ, मतलब वो कितनी मेहनत करके पूरा व्लॉग बनाता है। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। तो वो मतलब इसलिए मैं तो उसको तुरंत लाइक करती हूँ। मैं जब व्लॉगिंग नहीं करती थी ना, तब भी मेरी आदत थी लाइक कर देना का, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, उससे मतलब लाइक से उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हाँ उनके चेहरे पर ना एक स्माइल ज़रूर आती है जब मतलब एक लाइक बढ़ता है या सब्सक्राइब बढ़ता है। तो मतलब हाँ मुझे भी खुशी होती है जब मैं देखती हूँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, लाइक्स बढ़े हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी को खुशी मिले, तो सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आप मेरे व्यूअर्स हैं तो मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरे 50-50 होता है सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब, दोनों लोग मेरा वीडियो देखते हैं। मैं जब YT स्टूडियो ओपन करती हूँ तो मुझे दिखता है, और लाइक कर देंगे तो भी अगर पसंद आए तो स्माइल आती है मेरे चेहरे पे। तो चलिए आप मतलब कुछ तो अच्छा काम करेंगे मेरे चेहरे पे स्माइल लाने का, और किसी को तो खुशी देना अच्छी बात होती है ना। तो इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपका कुछ भी नहीं घटेगा, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उल्टा और मेरे दिल से आपके लिए एक अच्छी दुआई निकलेगी जो जो मुझे सपोर्ट करेगा, है ना। तो प्लीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि बस हर किसी की इच्छा होती है जीवन में कुछ आगे बढ़ना, बस मेरी भी इच्छा है तो मैंने ये काम स्टार्ट किया है। अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। बस आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, और अगर मन करे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिए, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक ब्लॉगर के लिए ना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसको रोकती है मतलब आगे बढ़ने से। घर की भी बातें होती है, तो मेरी जनरल आदत होती है, ऐसा नहीं कि मैं अपने सास ससुर आए हैं तो सिर्फ उनको दिखाने के, अगर मुझे मतलब दिखावा करना होता ना कि मैं अपने सास ससुर के लिए क्या क्या करती हूँ, तो मैं अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन मतलब जो सबसे पहले सुबह क्या करती हूँ और रात तक वो सब कुछ दिखाती, है ना। लेकिन मुझे इतना जल्दी 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 सब करना पड़ता है ना कि हर चीज़ दिखाने के लिए मैं कैमरा नहीं उठा सकती हूँ। अगर शायद वो सब कुछ दिखा दूँगी, मैं पहले भी डरती थी कि कहीं लोग ये ना बोले कि मतलब करती है तो सास ससुर के बारे में क्यों दिखाती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने सास ससुर को दिखाती हूँ, मैं अपने पूरे घर को दिखाती हूँ, और ये लोग नहीं आए थे मैं तब भी दिखाती थी, है ना फ्रेंड्स। तो मुझे समझने की कोशिश करिए, और बिल्कुल मैं कोई नेगेटिव काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है।
मेरे ब्लॉग बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो आज तबीयत मेरी सही है, दोपहर तक मैंने कोई काम नहीं किया था, बस हाथ पैर धो के मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि अभी भी ना मतलब मुझे ठंडी लग रही है, पानी जैसे छू रही हूँ बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही है। तो मैंने अपने मतलब थोड़ा सा मतलब बाल इतने उलझे हुए ना कि कंघी नहीं लग रही है अच्छे से। तो फ्रेंड्स चलिए आज के इस व्लॉग का मैं ना एंड कर देती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिए, जयकार का इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा फ्रेंड्स।